सर रिसेंटली सोशल मीडिया पे जो आमिर खान प्रोडक्शन को लेकर काफी चीजें स्टेटमेंट वायरल हो रहे सर, इन्वायरमेंट को लेके बता रहे कि लगा इन्वायरमेंट को आमिर खान ने शूटिंग के दौरान काफी खराब की, तो ये डीएम ओवरऑल आप खुद पूरा सिनेरियो पता है सर, ओवरऑल ये डीएम आगे से किस तरह देखते हो सर, क्योंकि आप भी बजाते खुद जाके लोकेशन जाके विजिट करके भी आ रहे हैं। जी जैसे कि आपने कहा रिसेंटली सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर पे एक वीडियो और फोटो वायरल हुए थे जिसमें कहा गया था कि आमिर खान प्रोडक्शंस यहाँ पे कचरा फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है और शूटिंग के बाद वो साफ नहीं कर रही जगह पे। तो इसमें मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे शूटिंग ऑलमोस्ट एक वीक से चल रही है, अभी वाखा में सिरुकथांग नाम की जगह है वहाँ पे लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही है, बट जो वीडियो और बाकी चीज़ें वायरल हुई है उसमें कोई सच्चाई है नहीं। इसके दो मैं आपको बताऊंगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक दो मजिस्ट्रेट लगा के रखे हैं और एक पुलिस का रैप भी होता है वहाँ पे दोनों चीज़ें चेक करने के लिए कि ये क्लीनलीनेस मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे, और दूसरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, जो हमने परमिशन में उनको मेंशन करके देखा है। साथ ही मैंने भी रिसेंटली वहाँ पे विजिट किया था, मुझे उन्होंने साइट दिखाई थी कि हम सारी जो क्लीनलीनेस प्रोटोकॉल है वो ठीक से फॉलो करते हैं और हमारा जो भी कचरा होता है वो नीचे आके फिर हम जहाँ भी गार्बेज वाला हमारा पॉइंट होगा वहाँ पे लेके जाते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ पे उन्होंने अच्छे से क्लीननेस मेंटेन करके रखा है, प्रोटोकॉल सारे फॉलो हो रहे हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अभी शूटिंग चल रही है, ऐसा नहीं कि शूटिंग ख़त्म करके कचरा फैला के वो भाग गए हो, शूटिंग अभी भी चल रही है, 25 तारीख तक के शूटिंग का शेड्यूल है उनका, और हमारे जितने भी हमने यहाँ से डायरेक्शंस दिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोटोकॉल्स दिए हैं कोविड को लेके, क्लीनलीनेस को लेके या फिर लोकल लोगों को चीक ना करने के लेके, वो सारे फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं बाकी जो रूमर्स फैल रहे हैं उसको खंडन करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो भी शूटिंग चल रही है वो ठीक से चल रही है और प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। सर इसमें और चीज़ें आ रही है कि जो फोटोग्राफ दिखा रहा है जो वायरल किया जा रहा है वो फोटोग्राफ से कोई लेना देना नहीं है कन्फर्म वाले से कहाँ तक? जी जो फोटोग्राफ्स है उसका अभी मैंने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है, वीडियो का तो उन्होंने कहा था कि ये करगिल का है वाखा का है, बट अभी हमने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है, बट साथ ही में मैंने पुलिस के टीम को भी बोला कि एक बार ऑथेंटिसिटी चेक की जाए कि कहाँ के फोटोग्राफ्स है, और अगर हमें ऐसा पाया गया कि लोग झूठ फैला रहे हैं रूमर फैला रहे हैं और अगर इसमें झूठी चीज़ होगी तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ झूठ ना फैलाएं, ऑब्वियसली अगर कोई सिचुएशन है कोई चीज़ है जिसके लेके आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बात करनी है तो हम तक पहुँचाएं, हम उस पर एक्शन लेंगे, बट प्लीज़ रूमर्स और झूठ ना फैलाएं और शूटिंग को पीसफुली होने दें यहाँ पे। सर लोकल से लेके एक सवाल था सर, जो करुथांग का अभी शूटिंग चल रही है सर, लोकल लोगों ने इनिशिएटिव ली थी कि उसे एयरपोर्ट बनाने के हवाले से, तो स्टेटस क्या है सर, कुछ चांसेस है या बाकी और उसका स्टेटस क्या है सर लोकल एयरपोर्ट के हवाले से? कल सो आपने देखा होगा रिसेंटली जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन मैडम उषा और सौगत सर और बाकी स्पाइस जेट की टीम और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी टीम आई थी, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग रनवे है उस पर ही चल रहा है कि वहाँ पे हम शॉर्ट एयरक्राफ्ट उतारने की कोशिश करें और उसमें फिजिबिलिटी भी है हमारी, बिकॉज वो उसको अगर हम थोड़ा हम एक्सटेंड करते तो वहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट उतर पाएंगे। जहाँ तक बात रही सरुपथांग को एयरपोर्ट बनाने की, तो उसको फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी बिकॉज उसमें दो चीज़ें, एक तो टाउन से बहुत दूर है और हाइट पे है, तो जब अब नेक्स्ट मंथ शायद आएगा जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप फिजिबिलिटी स्टडी करो और हमें रिपोर्ट दो कि एयरपोर्ट कहाँ बनाना चाहिए करगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद में फैसला हो पाएगा। तो अभी के लिए तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं वहाँ पे एयरपोर्ट शिफ्ट करने का। तो सर आपसे पूछना एक क्वेश्चन सर, ऐसे सर शूटिंग बड़े लेवल का शूटिंग जो सर करगिल के अंदर हो रहा है सर, वो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सर कैसा ताउन लगे, क्योंकि सर ये चीज़ जो अभी देखने में आ रही थी यहाँ पे बहुत सारों को यहाँ पे इसकी वजह से जैसे होटल लर्ट्स है ट्रांसपोर्टेशन में सर लेबर है, तो यहाँ पे यहाँ पर अच्छा जो है इकोनॉमिक जनरेट हो रहा है सर, तो आने वाले दिन में भी सर करगिल के अंदर बहुत सारे शूटिंग होने वाला, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर आप ऐसे मजिस्ट्रेट सर कितना सपोर्ट हो सर आपका कितना काम क्या रहता है? जी हम बहुत ही ज़्यादा फोर्थ कमिंग है, आप आमिर खान प्रोडक्शंस या जो लाल सिंह चड्ढा के अदर प्रोड्यूसर्स उनसे ही बात कर सकते हैं, हमने अपना पूरा सपोर्ट उनको एक्सटेंड किया है। मैं बहुत अच्छे समझता हूँ कि जो फिल्म क्रू है जो बड़ी फिल्में होती है वो लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे अराउंड 100 के अराउंड उन्होंने टैक्सी और बसेस हायर की है, यहाँ पे 3-4 होटल हायर किए हैं, हमारे यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स हो गए, होटलियर्स हो गए या कैटरिंग वाले हो गए, उन सबको इसमें रोज़गार मिलता है और लंबा रोज़गार मिलता है। और जब फिल्में बनती है तो उसमें टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, आपने लास्ट टाइम देखा होगा जैसे 3 डेट के बाद पेंगोंग सो का कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया,
तो ये जो बड़ी फिल्में होती है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों तक तो पहुँचाने के लिए और लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा फोर्थकमिंग है, हमने सबको बोल के रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा, डीसी ऑफिस से ही आपको सारी परमिशन मिल जाएगी, तो आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन उनका पूरा सपोर्ट करेगी, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो और यहाँ के टूरिज्म को सपोर्ट मिले, सो दैट करगिल भी एक नेक्स्ट अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनकर उभर के आए आगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.